Good morning, class 5th. This is your exercise number 5.6, lecture number 2. इसमें अब हम लोग word problems को पढ़ेंगे. देखिए, 5th वाला word problem है आपका. Asu travelled 475.8 km by bus, 249.37 km by car and 332.195 km by scooter in a week. How much distance he covered on the week? तो बेटा ये तो बड़ा आसान सा है. इतना बस से गया है, इतना कार से गया है और इतना स्कूटर से गया है. ठीक है, तो उन्होंने कहा कि हाउ मच डिस्टेंस ही कवर ऑन दैट वीक, किस पूरे हफ्ते में उसने कितनी डिस्टेंस कवर की है. देयर इज नथिंग स्पेसिफिक इन दिस क्वेश्चन, यू हैव टू ऐड ऑल द डिस्टेंसेज एंड यू विल फाइंड योर आंसर. इट मींस कि आपको लिखना है आसू ट्रेवल बाय बस, बाय कार और बाय स्कूटर. इन तीनों को आपको क्या कर देना है, एड कर देना है. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 आप अपने आप करेंगे. अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, व्हाट शुड बी एडेड टू 39.175 टू गेट 45. कि 39.175 में कितना ऐड कर दें कि हमारा आंसर 45 आ जाए. ठीक है, यानी इन्होंने ये कहा है कि 39.175 में हम क्या ऐड कर दें कि हमको 45 मिल जाए. ठीक है, हमेशा इस तरह का जब भी क्वेश्चन हुआ करे, ठीक है, तो उसमें हम लोग जो आंसर होता है उसमें से तुरंत उसको हमें सब्ट्रैक्ट कर देना होता है. हमने मान लिया कि लेट एक्स ऐड कर दिया, क्योंकि हमें पता ही नहीं क्या ऐड करना है, तो हमने मान लिया कि एक्स हमें ऐड करना है. अब अगर हमें इस एक्स की वैल्यू निकालनी है तो 45 माइनस 39.175. ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे 45.000 फिर 39.17 और 5. इसको बहुत आसानी से आप माइनस कर लेंगे, जैसे सिंपल माइनस किया जाता है. ठीक है, कर लीजिएगा. सेवेंथ, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 54.6 टू गेट इतना. सेम आपका सेवेंथ वाला, हम सिर्फ कैलकुलेशन आप खुद करेंगे. इन्होंने कहा है कि 54.6 में से हम लोग क्या सब्ट्रैक्ट करें, क्या हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दें कि आंसर हमारा 34.659 आ जाए, कि आंसर हमारा 34.659 आ जाए. ठीक है, अब बिल्कुल सेम इसी तरीके का क्वेश्चन है. इसमें प्लस था, इसमें माइनस है. ओके, तो हमें क्या करना है, लेट एक्स मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड. ठीक है, तो बेटा इसको एक्स को इधर ले जाएंगे और इसको यहां लाएंगे. तो 54.6 माइनस 34.659. ठीक है, इसको माइनस करिए, ये हमारी एक्स की वैल्यू निकल आएगी. यानी ये हमारा क्या हो गया, 56.600 लिख लिया, 34.659. इसको हम लोग क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आंसर आ जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बाय हाउ मच 98.7 एक्सीड्स इतना. कि 98.7 कितना बड़ा है इससे. जैसे अगर हम ये कहें कि 10 हमारा 8 से कितना बड़ा है, तो इनके बीच का डिफरेंस निकालो. जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आए कि वो कोई भी ये कहें कि ये इतना नंबर इतने से कितना एक्सीड कर रहा है, कितना बड़ा है, तो हमेशा उन दोनों का क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्शन कर देंगे, उनके बीच का डिफरेंस बताना होता है. ठीक है, तो 8th क्वेश्चन आप खुद करेंगे, क्योंकि इसमें भी हमें सिर्फ डिफरेंस निकालना है. 9th क्वेश्चन, एड द डिफरेंस ऑफ इतना इतना टू देयर सम. इन्होंने सीधी सी बात कही है, सिंपल सी, एड द डिफरेंस. इनके डिफरेंस लगा है इनके आगे, यानी इनके डिफरेंस को एड करना है इनके सम में. ठीक है, जैसे 9th क्वेश्चन आसान सा है आपका, कि एड द डिफरेंस ऑफ 65.5 एंड 35.43. सबसे पहले डिफरेंस निकालो. डिफरेंस कितना, 65.5 एंड, यानी 65.5 और 35.43.
35.4 और 3, यहाँ जीरो लगा दिया जाएगा। इनका पहले डिफरेंस निकालो, तो 10 में से 3 गया 7, 4 में से 4 गया 0, डेसिमल के नीचे डेसिमल आता है, ठीक है, 5 में से 5 गया 0, 6 में से 3 गया, तो डिफरेंस कितना आ गया ये। इस डिफरेंट को हमें ऐड करना है इनके सम में, अब सम निकालो इनका, ठीक है, यानी 65.50, 35.43, इनको हमें सम करना है, 3, 9, 5, 5, 10, कैरी 1, 6, 3, 9 और 1, 10, ठीक है। अब इन्होंने कहा है कि इनके डिफरेंस को इनके सम में ऐड कर देना है, अब हमें क्या करना है, इनको और इनको ऐड कर लेना है, ठीक है। नाउ अब हम क्या करेंगे, सम, तो 30.07 में ऐड कर देंगे हम लोग 100.93 को, ठीक है, 7 और 3, 10, कैरी 1, 10, कैरी 1, 1, फिर आया हमारा ये 3, ये 1, ठीक है। फाइन, इसके बाद हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, मयंक ट्रेवल्ड 375.49 किलोमीटर बाय बस, ये बाय कार, एंड द रेस्ट ऑफ हिज जर्नी ऑन डिड ऑन स्कूटर, इफ ही कंप्लीटेड द जर्नी ऑफ 760 किलोमीटर, हाउ मच डिड ही ट्रेवल ऑन स्कूटर। इन्होंने कहा है कि मयंक ने ट्रेवल किया, इतना बस से गया है, इतना कार से गया, और जो बचा वो आपका उसने स्कूटर से करी अपनी जर्नी, तो उसकी उसने स्कूटर से कितनी करी, अगर जर्नी 760 किलोमीटर थी, तो बेटा एक चीज का ध्यान रखिए, जैसे मान लीजिए आपसे ये कहा गया कि आपको 10 किलोमीटर जाना था, ठीक है, ध्यान से समझिए, आपको 10 किलोमीटर की टोटल जर्नी कवर करनी है, मान लीजिए आप नानी के घर जा रही है, और आपको 10 किलोमीटर की ट्रैवल करना है, 10 किलोमीटर जाना है, ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया, 5 किलोमीटर आप बस से चले गए, ठीक है, 2 किलोमीटर आप स्कूटी से चले गए, बचा हुआ आप जो है वो ऑटो से गए हैं, ठीक है, या फिर आप 5 किलोमीटर जो है बस से गए, फिर आपने 2 किलोमीटर के लिए आपने रिक्शा लिया या फिर ऑटो लिया, और उसके बाद बचा हुआ आप स्कूटी से गए, तो कितना बचा, तो सबसे पहले जितना हमने ट्रैवल कर लिया, ठीक है, हमने किस किस से ट्रैवल किया है, बस से किया है और कार से ट्रैवल किया है, दोनों को हम ऐड करेंगे, ठीक है, हमने ये देखा हमने इन दो व्हीकल से कितना ट्रैवल किया है, तो दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है, और उसको हम लोग टोटल जर्नी में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारे बची हुई जो जर्नी बचेगी वो सिर्फ हमारी किससे हो जाएगी, स्कूटर से हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसको आप लोग अपने आप एक बार खुद लगाने की कोशिश करेंगे, अगर नहीं आएगा तो आप हमें बताइएगा, हम आपको करवा देंगे, ओके।